केशु। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 25वीं कड़ी। रसिकेशु, इस श्रृंखला में आज फिर से एक बार अनिल दा और मीना दी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दादा। पिछली 24 कड़ियों के दौरान हमने आपके बनाए गीत सुनवाने के अलावा उन संगीतकारों के गीत भी सुनवाए जो आपको बहुत पसंद हैं, और फिल्म संगीत के विभिन्न पहलुओं पर भी आपने बहुत अमूल्य जानकारी दी है। लेकिन दादा, आप जिस परिवार में बड़े हुए वहाँ संगीत का माहौल कैसा था? तुषार, ये कहते हुए मुझे हर्ष और आनंद दोनों होता है, ये जो कुछ भी मुझको मिला है जी वो विरासत में माँ से मिला है। और मेरी माँ रेगुलर क्लासिकल संगीत का ये शिक्षा प्राप्त किया था। उनका उनके जो गुरु थे उनका नाम था लाल मोहन गोस्वामी। बहुत बड़े पखावाजी थे और इतने गुणी थे कि हदो हिसाब नहीं है। तो वहां से अगर तुम फैमिली ट्री बनाना चाहो ना जी, तो मेरी माँ जी, उसके बाद अनिल विश्वास जी, उसके बाद पारुल घोष मेरी बहन जो पन्ना वो उसे बजाने के बाद में घोष बन गई थी। पारुल की आवाज के बारे में मैं ऐसा ही कहूंगा, वो भी उसको विरासत में मिला होगा, क्योंकि मेरी माँ की आवाज जो है थी वो मेरे कान में ऐसा है कि मेरे सारे जिंदगी में जितने भी मैंने आवाजें सुनी है वैसी आवाज फिर मेरे कान में नहीं आई। उनकी आवाज शहनाई और बांसुरी की मिश्रण जैसा था, कि बांसुरी की मधुरता और शहनाई की एज उसके ऊपर जैसे वो जुवारी जवारी वैसा था। पारुल का भी वहीं से आया है। और दोनों जब बैठ के वो कीर्तन गाते थे ना, ऐसा मालूम होता था कि रुक्मिणी और सत्यभामा बैठ के कृष्ण का आराधना कर रही है। और मैं क्या कहूँ, अपनी बहन है, कहते कहते मेरा जी भर आता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। दादा, आप ही का स्वरबद्ध किया और पारुल जी का गाया एक अप्रतिम नायाब गीत जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, वही श्रोताओं को सुनवाते हैं। गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा, फिल्म ज्वारभाटा।
अच्छा पारुल घोष पन्नालाल घोष बांसुरी को कॉन्सर्ट लेवल पे लाने का हक जो है ना वो उनको ही दिया जाता है। अभी तक वो उसके पिता माने जाते हैं। कुछ हमारे पुरानी बातें हमको याद आती है वो हम जी। तुमको मालूम नहीं है पन्ना से पहले मैं बांसुरी बजा रहा था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन माँ तीर्थ से वापस आई, जब गई थी तब मैं बच्ची की आवाज में बोलता था, जब वापस आई तो मैं मर्द की आवाज में बोलने लगा। तो उन्होंने आगे देखा कि हमारे कुलुंगी के ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, वो बांसुरी रखे हुए है, सारे उठा के फेंक दिए कि ये तेरी आवाज को क्या हो गया। पर उस दिन से मैंने पन्ना को जाके कहा कि मेरी तो बांसुरी गई, अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा हाँ, तो इस तरीके से वो ये सितार बजाते, उनके पिताजी बहुत अच्छे सितार। क्या कह रहे हैं दादा, तो पन्ना वो पहले सितार बजाते थे? हाँ, उनके पिताजी अक्षय घोष वो खुद सितार बजाते थे और उसमें से इनको सितार बजाने की इच्छा हुई है। सितार बजाने लगे थे थोड़े बहुत वो चोरी चोरी। अच्छा, मैं जैसे चोरी चोरी जब माँ नहाने जाती थी ना तब हारमोनियम खोल के थोड़ा सा बजा लेता था, उससे ऐसे ही उनकी इच्छा जो है ना वो सितार की तरफ था। जब हमारी बांसुरी बंद हो गई तो एक रोज हम लोग बैठे हुए थे और बहुत सारे बांस जो है ना वो नदी के ऊपर रखा हुआ था कहीं जाने के लिए, वहां बैठे तो उसके अंदर हवाएं आ रही थी और एक एक बांस पे से एक एक अजीब अजीब किस्म की आवाज आ रही थी। किसी कोई मोटा बांस उसके बाद भू, जो छोटी बांस उसके बाद पू, ऐसी आवाजें सब आ रही थी। उस दिन मैंने पन्ना को कहा कृष्ण महान जो है ना ये मेरे ख्याल से तरह तरह की बांस की आवाज सुन के अपने बांसुरी के सात छेद में पिरो लिया होगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊ, ऑल इंडिया रेडियो में जब उस वक्त ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ कहते थे, एक नंबर गस्टिन प्लेस डालहौसी के पास में ये ऑफिस हुआ करता था कलकत्ते में। और मेरे आदरणीय आरसी बुराल साहब उसमें प्रोड्यूसर थे, तो मैंने ऑडिशन दिया था, उनको अच्छा लगा, उन्होंने हमको बुला लिया। तो पन्ना मेरे साथ में, दोनों ऐसे दो शरीर एक आत्मा तुम कह सकते थे हम लोगों को। तो वो हमारे साथ में गए, मैंने उसके लिए गीत लिखा, उसका ट्यून बनाया। कौन सा दादा? नव फाल्गुने जबे एले तुमि एले गो फुलो बने, नव फाल्गुने जबे एले, प्रदीप के रंग के है थोड़ा सा। अच्छा, ये गाना लेके मैं वहां जाके बैठा और पन्ना वो बाहर बैठे हुए थे और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे वो साउंड प्रूफिंग का कुछ अंदाजा नहीं था। तो एक बहुत बड़ा रूम के अंदर मुझे बैठा दिया और एक बक्सा के अंदर हारमोनियम घुसा दिया है, उसके ऊपर ना मैं बजा सकता था ना मैं गा सकता था। अच्छा। मैं इतना घबराया हुआ था, गाना तो मैंने गा लिया मगर बाहर आके देखता हूँ पन्ना जो है ना वो पसीना पसीना हो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, कहते मैं घबरा रहा था तो क्या करेगा। इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा पन्ना का कि उसका जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है, प्रोफेशनली उसने पहली बार मेरी रिकॉर्डिंग में बजाया था। अच्छा। और जब तक वो बॉम्बे में थे तब तक मेरे सारे फिल्मों में वही बजाया करते थे और उनके होते हुए मैं किसको बुलाता। वो जो हिंदुस्तान म्यूजिकल प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम करते थे उस पे मेरा ये एक गाना था, अमन करे अकुल सुरे बांसुरी शाम हार बाजियो, नहीं नहीं इतने व्याकुलता के साथ तुम बांसुरी मत बजाओ शाम, क्यों मुझसे रहा नहीं जाता। तो उसमें बांसुरी डालने की बात थी, तो मैंने पन्नाओं को मैंने कहा ये हमारे साथ बांसुरी बजेगा। ये उनका पहली मरतबा बांसुरी बजाने का अवसर, यानी प्रोफेशनली। उसके बाद में जब तक वो दिल्ली में थे तब तक बांसुरी हमारे लिए वही बजाते थे और मैं धन्य हो जाता था। मेरी
रसिकेशु, अभी आप सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 25वीं कड़ी सुन रहे थे। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।